नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सांसद अब संसद भवन के परिसर में किसी तरह का धरना नहीं दे सकेंगे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से जारी एक लिखित आदेश में कहा गया है कि सांसद किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है कि सभी सांसदों से इसके लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है। बता दें, इससे पहले गुरुवार को ही लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई बुकलेट में जुमलाजीबी, तानाशाह, बहरी सरकार, शकुनी और जयचंद जैसे कुछ शब्दों को असंसदीय करार दिए जाने पर अच्छा खासा हंगामा हुआ था। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा था कि वे इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। संसद भवन में धरना प्रदर्शन पर रोक के आदेश के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा, यह विश्व गुरु की नई सलाह है। उन्होंने कहा कि धरना मना है। इसके अलावा वे शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्या वे इसके बाद संसद में पूछे जाने वाले सवालों पर भी आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है ये पूछे जाने के लिए ये एक असंसदीय प्रश्न नहीं है। बता दें कि 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले IAS आदेश का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमलों का सिलसिला नहीं रोक रही है। आज भी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आतंकवाद के विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तस्वीर में दिख रहा है कि बीच में हामिद अंसारी जी बैठे हैं, उसी मंच पर पाकिस्तान के बहरूपिया पत्रकार, पाकिस्तान का एजेंट नुसरत मिर्जा भी बैठा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के ISI एजेंट से सीख रही थी। बता दें, पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने YouTube पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें साल 2005 से 11 के बीच 5 बार दिल्ली बुलाया और इस दौरान हुई बातचीत में खुफिया और संवेदनशील जानकारियां साझा की। नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि उन्होंने ये जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ साझा की थी। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सफाई दे चुके हैं कि कार्यक्रम में जो भी बुलाए जाते हैं वो आयोजकों की ओर से बुलाए जाते हैं, उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार से मुलाकात की बात को भी झूठा बताया। बता दें, जिस पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के आरोपों को लेकर बीजेपी हामिद अंसारी पर हमलावर है, उसी नुसरत मिर्जा को लेकर पाकिस्तान में लोग उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर उनका इंटरव्यू करने वाले शकील चौधरी ने BBC से बात करते हुए कहा कि उनका आकलन इतना ढीला है, इतना लापरवाह किस्म का है कि उसमें कोई बौद्धिक विशेषज्ञता नहीं है। विश्लेषण करने की उनकी योग्यता का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ। BBC के मुताबिक कराची के एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक खबर के हिसाब से हम नुसरत मिर्जा को भरोसेमंद नहीं कह सकते, वो बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। इसके अलावा जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में उनकी बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं है। यह नहीं, नुसरत मिर्जा की बातों से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी भी हैरान हैं और BBC से बातचीत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो जासूस थे तो अपनी पहचान जाहिर करके दुनिया भर को बताने की क्या जरूरत थी। कई दिन तक चली ऊहापोह के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने भी राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये विपक्षी दलों की एकता के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि झामुमो बिहार में कांग्रेस और RJD के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। झामुमो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकता है, इस बात की अटकलें बीते कई दिनों से लग रही थी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और अब तक कई विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आगे आ चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए जब विपक्षी दल एकजुट हुए थे तो कहा गया था कि एक मजबूत और संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक कई विपक्षी राजनीतिक दल घोषित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ते चले गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी NDA के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी, हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि UP के CM योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर हुए रात्रि भोज में हमें बुलाया था, CM योगी से भी मेरी बातचीत हुई, वहीं द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा था। वहीं जब मैं लखनऊ दौरे पर था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अमित शाह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुलाकात हुई थी।
एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल मुंबई पहुंची, जहां भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू को उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से भी समर्थन देने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन उनको इसके बावजूद भी अनदेखा किया गया और आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं इस दौरान शिंदे का यह दावा रहा कि महाराष्ट्र के 200 से अधिक विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, जो ये दिखाता है कि बाकी दलों के नेता भी अपनी पार्टियों की आधिकारिक लाइन से अलग हटकर उन्हें वोट देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सिंगापुर में उतरने के बाद इस्तीफा दे दिया है। संसद अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि उन्हें त्यागपत्र मिल गया है। स्पीकर एयाप्पा वर्धना ने साथ ही पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे देश के अंतरिम राष्ट्रपति होंगे, उन्हें आज शपथ दिलाई जा सकती है। स्पीकर ने बताया कि नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल 16 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई गई है। बता दें, राजपक्षे गुरुवार देर शाम सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने के कुछ देर बाद ही उन्होंने ईमेल के जरिए श्रीलंका की संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया था। ब्रिटेन में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रेस में दूसरे राउंड में भी पहले नंबर पर रहे हैं। दूसरे राउंड के मतदान में ऋषि को 101 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि दूसरे स्थान पर रही पेनी मोर्डुएंट को 83 वोट मिले। दूसरे राउंड की वोटिंग में अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन को सबसे कम 27 वोट मिले, जिसके बाद वो उस दौड़ से बाहर हो गई और अब पीएम की रेस में 5 दावेदार बचे हैं। अब अगले सप्ताह सोमवार को अगले राउंड की वोटिंग होगी और अंत में 2 दावेदारों को चुना जाएगा। इसके बाद पार्टी के सदस्य इनमें से एक दावेदार का चुनाव करेंगे, जिसके नाम का ऐलान 5 सितंबर को होगा। अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के समर्थन में पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम आए हैं। बाबर आजम ने विराट के साथ अपनी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मजबूत बने रहें। बता दें, बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती रही है और बाबर एक के बाद एक विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।